केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नानी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ कर रही एनसीबी, ड्रग्स कनेक्शन में भेजा था समन। आर्यन खान को सलाखों के पीछे भेजने के बाद एनसीबी क्रूज जहाज ड्रग्स केस में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस कड़ी में आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि एनसीबी की टीम शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। अभी तक आर्यन खान के परिवार में से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है। भारत को तालिबान से खतरा, सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं अफगानिस्तान के आतंकी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने शनिवार को इस संभावना को खारिज नहीं किया कि अफगानिस्तान मूल के विदेशी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने दो दशक पहले अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान के इस तरह के उदाहरण भी दिए। सिंघू बॉर्डर खोलने पर चर्चा के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमित शाह से की मुलाकात। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ज्यादातर समय सिंधु बॉर्डर खोलने की संभावना पर बात की। कोरोना माता का मंदिर गिराया तो पहुंच गई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश में कोरोना माता का मंदिर गिराए जाने के खिलाफ एक महिला अदालत पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला पर ही जुर्माना लगा दिया। अदालत ने टिप्पणी की है कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ निर्माण किया गया कोरोना माता मंदिर को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में एसकेएम ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में महापंचायत भी बुलाई। लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने ऐलान किया है कि वे दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। साथ ही एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया है। अब खबर झारखंड से। झारखंड में नाबालिग लड़की से 2 साल तक दुष्कर्म, 58 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में 58 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार को शिकायत मिलने के बाद आरोपी को नजदीक के जंगल जाने के क्रम में गिरफ्तार किया है। रांची में 11 से 15 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह शाम 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। 4 बजे शाम के बाद निजी वाहन पर भी नो एंट्री। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि पूजा में ट्रैफिक स्मूथ रह सके। इसके लिए ट्रैफिक एसपी रेशम रमेशन ने शहर के ट्रैफिक प्लान से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रांची टेंट हाउस के मालिक का हुआ निधन। कल सुबह हुआ था हर्निया का ऑपरेशन, अचानक आया हार्ट अटैक। आज शाम 5:30 बजे रांची आया पार्थिव शरीर। रांची के व्यवसायी और रांची टेंट हाउस के मालिक तिलक राज आजमानी का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। आजमानी परिवार के करीबी और झारखंड चैम्बर ऑफ अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि 4 दिन पहले उन्हें पेट में दर्द उठा था। रांची में एडमिट करने के बाद पता चला कि उन्हें हर्निया हो गया है, इसलिए बेहतर उपचार के लिए उन्हें दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और शाम में उन्होंने आखिरी सांसें ली। सुप्रीम कोर्ट में काउंटर हलफनामा देकर झारखंड सरकार ने बताया कोविड से अनाथ हुए 30 बच्चे और बढ़े। अब 1161 इंस्पायर योजना से जुड़े 890 राज्य में कोविड से अनाथ हुए बच्चों की संख्या 30 और बढ़ गई है। अब इनकी संख्या 161 हो चुकी है। इनमें से 890 बच्चों को इंस्पायर योजना से जोड़ा गया है। पहले अनाथ हुए कुल बच्चों की संख्या 131 थी, अब 1161 पहुँच गई है। अब मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए का मुआवजा। सरकारी नौकरी लेने वालों को 3 लाख। नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले आम नागरिकों के आश्रितों को अब राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। जल्द ही इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। अब तक आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा और जो आश्रित सरकारी नौकरी नहीं लेता है उसको केंद्र सरकार से 3 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।